सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के सभी छह प्रत्याशियों को विशेष रूप से मुजफ्फरनगर में हमारे चुनाव को और अधिक समर्थन करने के लिए मतदाताओं से वोट मांगने के लिए यहाँ पर पहुंचे और आपने देखा है शिवमूर्ति लेकर सरावे बाजार तक इतना शानदार उत्साह, बहुत कम लोग रहे थे। कहा गया था कि सोशल डिस्टेंस के साथ लोग पहुंचे, लेकिन शानदार उत्साह, चूंकि बहुत सारे विकास कार्य हमारे मोदी जी के योगी जी के कार्यकाल में हुए, जन विश्वास दोनों सरकारों ने कायम किया। पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 89 में मुफ्ती मोहम्मद सईद जनता दल के टिकट पर यहाँ पे सांसद जीते थे और मुफ्ती मोहम्मद सईद के जीतने के बाद वे गृहमंत्री बने। गृहमंत्री बनने के बाद उन्होंने मुजफ्फरनगर कलंकित करने का काम किया, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी रुबिया को छुड़ाने के लिए देश की असमत से, देश की सम्मान से सौदा करके आतंकवादियों को छोड़ने का काम किया। एक वो गृहमंत्री थे और एक अमित शाह गृहमंत्री हैं जिन्होंने आतंकवादियों को ठिकाने का काम किया, आतंकवादियों के रस्ते ध्वस्त करने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान के घर में घुस करके एक बार नहीं दो बार सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों को ध्वस्त करने का काम किया। जनता के सामने अंतर साफ है, एक गृहमंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, एक गृहमंत्री हैं अमित शाह। ये प्रदेश को तय करना, जनता को तय करना, एक गृहमंत्री वो थे जो भी बेटी के सम्मान से समझौता करके देश के सम्मान से समझौता करके आतंकवादियों को छोड़ने का बड़ी बात थी, मुझे कलंकित किया। और आज अमित शाह जी बीच में ही अपना कैंपेन छोड़कर चले, क्या वजह रही? कैंपेन छोड़ के नहीं है, चूंकि जनता बहुत थी, अब कोरोना का प्रोटोकॉल भी करना था, तो जो दाल मंडी वाला क्षेत्र है वो छूट गया, उसको हम जा रहे हैं। कंजेस्टेड बहुत था, जनता बहुत थी, पैदल नहीं चल पा रहे थे और इसलिए वो छोड़ गया, उसके हम जा रहे हैं। कोई नाराज नहीं है, सब भारतीय।